इस 10 काल के कालखंड में जहां भारत में एक नई सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का उदय हुआ है, उसके साथ साथ में करोड़ों भारतीय युवाओं ने भारत का और भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म, भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को सम्मान के साथ में देखना प्रारंभ किया है। और जब कोई समाज, कोई राष्ट्र के नागरिक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के काल में, जब बदलाव के दौर से वो गुजर रहा हो, तब अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान रखना प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र की प्रगति को तो पंख लगते ही हैं, लेकिन साथ साथ में पूरे विश्व भर में उसकी पहचान जो है वो पुनर्स्थापित होती है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक ओर भारत विकास के नए आयाम तय करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करते हुए विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, 10वें से 5वें पायदान पर और 5वें से 3रे पायदान पर जाने की दिशा में ठोस कदमों के साथ आगे चल रहा है, भारत एक नई सामरिक ताकत के रूप में पूरे विश्व के पटल पर उभर रहा है, अपने सामरिक साजो सामान को इंडिजिनाइज करने के साथ साथ में भारत जिस तरह से एक नए सामरिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है, वे आर्थिक सामरिक शक्ति के साथ साथ में सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए भारत ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी पूरी दुनिया में जब अपनी खोई भी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है, तो मैं यह विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो भारत की खोई भी विरासत के चलते हुए जो भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में एक गुरु स्थान पर था, उसको वापस स्थापित करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 10 साल के किए गए प्रयास निश्चित रूप से एक मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाएंगे। और आने वाले समय में जब भारत विकसित होगा, जो अब अवश्यंभावी है, तब निश्चित ही इस 10 साल में किए गए प्रयासों के चलते हुए भारत का सम्मान पूरे विश्व के लोगों के निगाह में निश्चित रूप से कई कई गुना उसमें अभिवृद्धि होगी।